आज हम आपको बुकरम का गला काटना और सिलना बताएंगे। इसके लिए हमें बुकरम चाहिए, जो ये हमारी डबल फोल्ड बुकरम है। हमें 2.5 इंच बुकरम की गले की चौड़ाई लेनी है और 6 इंच हमें इसकी लंबाई लेनी है। इस तरह से, और हमें 1.5 इंच पे इसकी चौड़ाई लेनी है इस तरह से, और फिर हमें 7 इंच इसकी लंबाई लेनी है गले की। अब हम इस गले की गुलाई करेंगे इस तरह से। जो ये हमारा बीच वाली बुकरम है, ये हम निकाल देंगे। ये जो हमारा एक्स्ट्रा बुकरम है, ये भी हम निकाल देंगे। और अब हमें ये 2 इंच अपनी सिलाई के लिए रखनी है इस तरह से। इसकी हम ऐसे ही गुलाई करेंगे इस तरह से। कैंची को ऐसे घुमाना है ये हमारा गला तैयार हो गया। अब हमें इसमें बीच में निशान लगाना है इस तरह से। इतना कपड़ा हमारा सिलाई में आ जाएगा, जो कि हम सिलाई करते टाइम बताएंगे आपको। और हम आपको गला सिलना बताते हैं। ये हमारा कपड़ा है और हमने इसके ऊपर बुकरम रखी है और हमें इसे सिलाई लगानी है चारों तरफ। ऐसे हमें अब हम आपको बुकरम वाला गला सिलना बताएंगे। ये हमारा कपड़ा है, हमने बुकरम के नीचे कपड़ा रखा हुआ है। अब हम इस पे चारों तरफ सिलाई करेंगे। से हमारा कोना है जो मशीन उठा के फिर से रखेंगे।
तैयार है। अब हम ये बीच वाला कपड़ा इसे निकाल देंगे। हमें इतना देखना है कि जो हमें अंदर थोड़ा सा हमें मोड़ने के लिए लेना है, तो हमें इतना कपड़ा लेना है, करते हैं इतना। चलो तो इसकी ऐसे गुलाई करेंगे। चारों तरफ से हमें ऐसी ही सिलाई करनी है। अब जो ये हमारा कपड़ा है, ये हमें अंदर की तरफ मोड़ना है। आपको ये कोना बनाने में दिक्कत आए तो आप ऐसे कट लगा सकते हैं। इस तरह से हम अपना गला इस पे रख के सिलेंगे। पहले हमें एक बीच में कट लगाना है। इस तरह से हमें कपड़ा फोल्ड करके और बीच में एक छोटा सा कट लगाना है। इस तरह से ऐसे रखना है। जो ये हमारा गला है, हमें इस तरह से लेना है ताकि हमारा गला टेढ़ा ना हो जाए। इस तरह से हमें इस पर सिलाई लगानी है।